हर साल की तरह इस साल भी चतुर्थ गोरखा राइफल के जवान और जेसीओ और अधिकारी लोग अपने अपने कुल देवी देवताओं और अपने गुरु गोरखनाथ और मां काली और अपने कुल देवी मां संसारी को पूजने के लिए देश के किसी भी कोने में हो अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में जरूर बकलोर पहुंचते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर किसी समय पर गोरखा ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जो आज सपातू में है। इसी कारण यहाँ पर 1/4 GR, 2/4 GR, 3/4 GR, 4/4 GR और 5/5 GR के जवान रख 14 GTC के अधिकारियों और जवान लोग अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए जरूर आते हैं। आज दूसरा शनिवार के दिन यहां संसारी माता के मंदिर में, जो कि 3/4 GR द्वारा बनाया, कई साल पहले माता संसारी के मंदिर में 3/4 GR द्वारा पूजा अर्चना किया गया। तब से लेकर अभी तक यहाँ अपनी कुल देवी को मनाने के लिए अप्रैल के महीने में जरूर आते हैं। आज कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए दूसरे शनिवार के दिन 3/4 GR के सूबेदार मेजर दुर्गा बहादुर मल की अगुवाई में अपने यूनिट के धर्म गुरु सूबेदार रवीश कुमार पांडे की अगुवाई में मंदिर परिसर में हवन पूजन के बाद माता को सभी जवानों और अधिकारियों द्वारा माता के चरणों में फल फूल नारियल और चुनरी चढ़ाया गया और उसके बाद मंदिर परिसर में ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद भजन कीर्तन के बाद अपने यूनिट से रिटायर्ड हुए जवानों और अधिकारियों के लिए प्रसाद के तौर भोजन का आयोजन किया गया। इस मौके में सूबेदार मेजर DB मल, पंडित RK पांडे, कैप्टन राम कुमार राणा, कैप्टन उमेद सिंह गुरुंग, सूबेदार नसेंद्रा थापा, सूबेदार अमित, सूबेदार नारायण गुरुंग, नायब सूबेदार अमित थापा, CHM खीम थापा, CHM युद्धवीर के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यूनिट के धर्म गुरु सूबेदार रवीश पांडे ने बताया कि वो यह पूजा अपने यूनिट के सुख और समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन 5 यूनिट 1 RR यूनिट और 14 GTC के धर्म गुरुओं द्वारा गुरु गोरखनाथ लोकेश्वर मंदिर और अंतिम दिन में सभी यूनिट के लोग मां काली के पूजा अर्चना के बाद 21 तारीख को अपने अपने यूनिट में रवाना जो जाएंगे। आर्या टाइम्स वेब TV भूषण गुरन बखलो। जिसे पूछना चाहते हैं, आज जो ये कार्यक्रम रखा जा रहा है संसारी माता मंदिर में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? साहब, ये संसारी माता का कार्यक्रम इसलिए विशेष करके अभी हम मना रहे हैं कि इस समय खास करके इसकी बहुत ही जरूरत है। संसारी माता की मान्यता दुख से, दरिद्र से, महामारी से, रोग से, संकट से बचाने के लिए किया जाता है। अभी कोविड-19 का समय है, इसलिए यह पूजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले साल कोविड के चलते हम पूजन नहीं कर पाए थे, इस साल भी हमको ऐसा ही गाइडेंस मिला है कि ज्यादा गैदरिंग नहीं करना है और रिचुअल्स करना है। इसलिए रिचुअल्स करना है कि इस समय हमको शांति की और सुरक्षा की विशेष जरूरत है। तो हम लोग बहुत सीमित मात्रा में यहाँ उपस्थित होकर कोविड-19 को गाइडलाइन से सरकार के द्वारा उसको मानते हुए रिचुअल संपन्न कर रहे हैं। इस पूजा से संपूर्ण नगरवासी के साथ साथ पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि आएगी। कोविड महामारी को मिटाने में माँ भगवती की अत्यंत कृपा होगी, जिससे संसार के सभी लोग सुखी हो जाएंगे। संसारी माता का नाम ही संसार को चलाने वाली जो माता होती है उसको संसारी माता कहते हैं। इस पूजा पाठ के माध्यम से पूरे संसार में विश्व में समृद्धि, शांति, सुरक्षा।